स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहां पर ठीक हूं। रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं ना आज बहुत ही ज़्यादा लेट उठी हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे अभी सोनू को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि लेट होने की वजह से मतलब लंच वगैरह नहीं बना पाया, तबीयत भी ठीक नहीं था इसलिए नहीं भेजा। और मौसम देख लीजिए यहाँ का, बिल्कुल बदल सा हो रहा है, पता नहीं बरसात आएगी क्या, ऐसा मतलब बदल सा बन तो रहा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है और ना ही धूप है जबकि 10 बज रही है। और इसी के साथ है ना, मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं किया। ये जो बर्तन है ये रात का है, ये दलिया वाला कुकर है और ये दलिया वाला गमला है। और अभी हमने चाय बना के पी लिया है। और बब्बू के छोटू के लिए आज मतलब सूजी बनाए, छोटू के लिए मतलब नाम बोल रही हूँ, वैसे दोनों भाई खाएंगे ये सूजी। अब मैंने यहाँ पे ना चावल बना लिया है और साथ में ना आज मैंने बहुत दिनों बाद बनाया है ये फिश करी, कम से कम 18-19 साल बाद में। इतने सालों तक मैंने कभी मतलब खाया नहीं था। और अब जो हर वो काम करूँगी जो मैंने अधूरा छोड़ा था। तो देखिए ये फिश जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इसे उतार लेते हैं। आज 18-19 साल हो चुका था, मैंने कभी खाया नहीं था, नहीं कुछ किया था मतलब ट्राई कर। जब से मेरी शादी हुई थी ना तब से मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया था क्योंकि मेरे ससुराल में चलता नहीं है। और जिनके लिए छोड़ा था, जब वो ही नहीं रही, कोई रस्म रिवाज ही नहीं रही और जाने से पहले वो मरने का जो रिवाज होती है ना, अपने हाथों से सिंदूर मिटाना, चूरा तोड़ के जाना, तो वो सारा रिवाज कर चुका है। तो जब मुझे सिंगल ही रहना है और एक विधवा की ज़िंदगी जीना है तो फिर क्यों ना मैं अपना मन का कर लूँ। तो यही सोच के मैंने आज मतलब 18-19 साल बाद में पहली बार ट्राई किया है। और आज के बाद आपको मेरी वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि जो दिन था वो तो चला गया, वापस आएंगे नहीं। और मुझे तो जीना है ना, तो मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से जीऊँगी, किसी के कहने पर या किसी के रस्म रिवाज पे नहीं चलूंगी। ये मेरी लाइफ है और मेरे बच्चे हैं, मैं अपने हिसाब से हर चीज़ को ट्रीट करूंगी। तो चलिए दोस्तों इसके साथ बना लेती हूँ सब्जी क्योंकि फिश तो फ्राई हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने सब्जी बनाया नहीं था, फिश फ्राई से खाना खा लिया था। और फिर मैं सोची कि बच्चे जब स्कूल भी नहीं गए हैं तो चलिए थोड़ा सा क्यों ना उन्हें घुमा लाती हूँ क्योंकि उनका भी मन मतलब पापा नहीं आने की वजह से थोड़ा एब्सेंट रहता है, कई बार अपना आप ही रोने लग जाता है छोटा वाला। और दोनों भाई गले मिल के पापा पापा करके बहुत ज़्यादा रोता है, तो उन्हें तो समझा नहीं सकती और समझा देती हूँ कि पापा नहीं आएंगे लेकिन वो समझते नहीं हैं, फिर भी मतलब रोता रहता है और उनका नाम लेके बहुत ज़्यादा याद करता है, उन्हें मिस करता है। बच्चा है, पता नहीं भगवान उनका सुनेगा नहीं सुनेगा, अब तो और नहीं सुनेगा, अगर सुनते तो पहले ही सुन लेते, इतना बड़ा कांड नहीं होता। खैर जो भी हो, मैंने उन्हें थोड़ा सा माइंड फ्रेश कराने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। हमारे पास में एक बाड़ा है यानी जहाँ पे गाय भैंस रहती है, तो ये बछड़ा थोड़े दिनों में मतलब हुई है तो ये बाहर ही बंधा हुआ रहता है, तो इनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा खेलता है। लग रही है ना, तो आते में दोनों भाई बच्चे के पास आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो मुझे भी उनको खुश देखकर खुश होती है, चाहे मैं कितने गम में हूँ या कितने तकलीफ में हूँ थोड़ी देर के लिए तो भूल ही जाती हूँ। तो है ना, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ से मतलब आधी घंटा हो चुका है तो चलिए अब घर चलते हैं। तो दोस्तों उसी के साथ आ गई थी घर पे, तो आप देख सकते हैं चुन्नू मुन्नू जो है घर पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा रो रहा था यानी कि उसे भूख लग गई थी। और फिर मैंने यहाँ पे मतलब दूध चरा दिया है और इसी के साथ थोड़ा सा दलिया भी बना लिया है। जोरो ना जोरो। दोस्तों एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से मतलब टेंशन, खाना वाना कुछ अच्छा नहीं लगता और बच्चे इतना ज़्यादा उद्यम करते हैं ना, जिसका क्या हद है, उनको तो खैर क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको तो मतलब भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊं, मैं ना इसको किताब लेके बिठाई तो आप देख सकते हैं ये मतलब 20 तारीख का काम है, आपको दिख रहा होगा 20 तारीख का काम है। तो यहाँ पे है ना देखिए किताब फाड़ दिया है इसने, सोनू ने किताब फाड़ दिया है। अब बोल रहा है मैं इसे चिपका दूंगा, तो देखिए अक्षर मतलब किताबों को फाड़ फाड़ के खेल रहा है। चिपका इसको, चिपका जी, सही करो इसको जी।
हाँ से करो। तो आप देख सकते हैं पहले तो किताब को फाड़ा है और अब ये चिपका रहा है। चिपकाओ किताब चिपकाओ। कैसे चिपकाऊं क्या? चिपकाओ ना आराम से चिपकाओ ना, क्या दिक्कत है? फाड़ा है जब ने पूछा ना आपने। तो आप देख सकते हैं कि इनको किताब को भी ये शांति से नहीं रहने देता है। तो दोस्तों चलिए पढ़ाई को कराती हूँ कंटिन्यू, कि उनको तो किताब फाड़ने में मजा आया जो फाड़ दिया। अब जिनको जोड़ना है, जुड़ेगी तो नहीं क्योंकि वो ऐसे कॉर्नर से फाड़ा है ना कि वो जोड़ना संभव ही नहीं है। मत फाड़ो मत फाड़ो, रुको। तो दोस्तों वीडियो को ये एंड करना पड़ेगा, नहीं तो बचे कुचे किताब भी फटने का ही काम आएगा।